सो गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो आज आपका भाई जो है कि फेस रिवील करके वीडियो बना रहा है बहुत दिनों के बाद, लेकिन आज से जो है कि आप लोग को डेली बाय डेली फेस रिवील करके मैं वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ आप लोग को बताऊंगा। तो जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जो है कि फेस स्मूथ कैसे होता है। जब भी आप लोग फेस स्मूथ करने जाते हैं तो 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा लग ही जाता है, किसी न किसी तरह से लग ही जाता है। आखिर क्यों लग जाता है? आप लोग बहुत ज़्यादा फोटो एडिटिंग कर चुके हो फिर भी जो है कि टाइम लग रहा है, एंड उसके साथ साथ जो है कि आप लोगों को परेशानियां भी झेलना पड़ रहा है। आखिर क्या, ब्लैक ब्लैक आ ही जाता है, एंड प्रीसेट अच्छा नहीं मिलता है, एंड प्रीसेट का यूज भी नहीं कर पाते आप लोग, स्केच बुक अच्छे से आप लोग नहीं चला पाते हो। जो है कि सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि अच्छे से स्मूथ कैसे करते हैं, एंड जो है कि अच्छे से प्रीसेट का यूज कैसे करते हैं, एंड कैसे स्मूथ करते हैं तो जो है कि अपना ब्लैक ब्लैक नहीं आता है, ठीक है ना। तो जो है कि ज्यादा वीडियो का लंबा नहीं करेंगे, आप लोग बातचीत करके डायरेक्टली आप लोग को मुद्दा पर लेकर के चल के आप लोग हम बताएंगे कि अच्छे आखिर वो कैसे होता है फेस स्मूथ, जो है कि इतना ईजी तरीके से और कम टाइम में कैसे होता है फेस स्मूथ, आज आप लोग को हम सिखा के ही रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, 110% का रहना कि आप लोग फेस स्मूथ करना सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तब तक के लिए जो भी लोग हमें चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के हमेशा आता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, कुछ इस टाइप से देख लीजिए फोटो है, कुछ इसी टाइप से फोटो एडिटिंग करके दिखाएंगे। थोड़ा सा सैड फोटो एडिटिंग है, ठीक है ना, लेकिन बट जो है कि फेस है ना, फेस बहुत तगड़ा स्मूथ हुआ है, एंड बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ कपड़ा वपड़ा सब कुछ मैचिंग जो करके एडिट किया हो, ठीक है ना, इसी टाइप से एडिटिंग है। और चलिए इसका ओरिजिनल पिक दिखा देते हैं। तो कुछ इसका ओरिजिनल पिक इस टाइप से, ठीक है, प्रीसेट की यूज के बाद है, और इसका एकदम नॉर्मल पिक दिखा रहे हैं। देखिए एकदम नॉर्मल पिक है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को क्या करना है, आप लोगों को जो भी ओरिजिनल पिक होगा ना, उसको सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ से शेयर पर क्लिक करके और यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन में लेकर के आना होगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को देखिए स्नैपसीड एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे प्यारे मित्रों सभी को क्या करना, चलिए बताते हैं, ठीक है। तो बताते हैं क्या करना है आप लोगों को, ठीक है ना। इधर टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्टेड टूल को ले लेना है, ठीक है, और अपने फेस को थोड़ा बहुत गोरा करना है, ठीक है ना। गोरा नहीं करेंगे तो आपको फेस पे ब्लैकनेस ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा, अपने फेस को गोरा जरूर कीजिएगा। तो इस टाइप से ब्राइटनेस को बढ़ा करके, सैचुरेशन को कम करके, अब मैं डेली बताता हूँ, मुझे पता है 100% कि आप लोग को ये चीज़ जरूर आता होगा, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस को बढ़ा करके सैचुरेशन को माइनस कर देना, सिंपली जहाँ जहाँ ब्लैक होगा, ठीक है। तो इस टाइप से करने के बाद मित्रों, आप सभी क्या करना है, अपने फोटो को एक्सपोर्ट करना है गैलरी में, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट करने के बाद चलिए चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के पास, ठीक है। तो लाइटरूम एप्लीकेशन में क्लिक करके और एडिट टू एलआर कर लेंगे, ठीक है। एंड एडिट टू एलआर होने के बाद मेरे प्यारे मित्रों कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। तो आप सभी क्या करना है, बैक आना है, ठीक है। और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को एक प्रीसेट मिलेगा, सिंपली इस प्रीसेट को 3 डॉट पर क्लिक करके और आप लोग कॉपी सेटिंग करना है, राइट क्लिक करना है, बैक आना है, ठीक है। और जो भी आपका ओरिजिनल पिक होगा, सिंपली उस पिक को ले लेना है, ठीक है। और इस पिक को लेने के बाद मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देंगे, ठीक है। एंड पेस्ट सेटिंग करने में देखिए कुछ इस टाइप से इंटरफेस नज़र आने लगेगा, ठीक है। वन क्लिक में ही हो जाएगा आप लोग का। तो आप सभी को क्या करना है, इधर से शेयर पर क्लिक करके फिर से दोबारा आप लोग को शेयर पर क्लिक कर लेना है। एंड दोबारा शेयर पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों, सब आप लोग का जितना भी ऐप होगा खुल के आ जाएगा। तो आप सभी को फोटो रूम एप्लीकेशन में चलना है, वहाँ पर जो है कि आप लोग को बैकग्राउंड एडिटिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फोटो रूम एप्लीकेशन में मतलब जैसे ही ऐड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। एंड आप लोग का जो भी मॉडल एंड बैकग्राउंड अलग अलग एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही लाजवाब ऐप है, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग को ये ब्लरिंग वाला ऑप्शन वाला ले लेना है, ठीक है। एंड ये वाला लेने के बाद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी क्या करना है, देखिए थोड़ा ध्यान से इधर से बैकग्राउंड पे क्लिक करके और सिंपली आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोग का अपना बैकग्राउंड चेंज कर देना है, ठीक है। तो आप लोग इधर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद इधर फोटो पे क्लिक करेंगे, एंड फोटो पे क्लिक करने के बाद जो भी आप लोग को बैकग्राउंड मिला रहेगा, सिंपली उस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का बैकग्राउंड सेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं। देखिए सिर्फ वन क्लिक में मेरा बैकग्राउंड सेट हो चुका है। अब जो है कि आप लोग क्या करना है, यहाँ से डन करना है, ठीक है। बैकग्राउंड पे क्लिक करके और ब्लर वाला ऑप्शन को खोल देना है एक बार, ठीक है। एंड ब्लर वाला ऑप्शन खोलने के बाद मेरे प्यारे मित्रों देखिए आपका बैकग्राउंड भी ब्लर हो जाएगा, ठीक है। और चाहे तो और ब्लरिंग वाला ऑप्शन को कम कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को जितना चाहिए उतना कम करके रख लीजिएगा। एंड एडजस्ट पर क्लिक करके सैचुरेशन को बढ़ा करके, ठीक है, और लो लाइट को कम करके, हाई लाइट को हल्का सा बढ़ा करके, ठीक है। एंड देन अपना फोटो जो भी होगा हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, शेयर पर क्लिक करके और
यहाँ से सिंपली शेयर पर क्लिक करके और अपना फोटो लेकर चलेंगे पिकार्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ पे मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को PNG लगा करके अच्छे से सेट करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा काम नहीं है, तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को एक PNG मिलेगा, टेक्स्ट PNG, सिंपली उस PNG को ऐड कर लेना है। चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों आप सब देख सकते हो टेक्स्ट PNG ऐड हो चुका है, ठीक है, ये फेक लव, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से करके और यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। एंड देन इरेजर बटन पे क्लिक करके इसको हार्डनेस कम करके और मेरे प्यारे मित्रों जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आया हुआ इधर उधर का उसको जो है कि इरेज कर लेंगे, ठीक है। एंड देन डन कर लेंगे और चाहे तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे आप लोग अपने हिसाब से। और जो है कि स्टिकर पे क्लिक करके और सिंपली का इधर से लिखेंगे बूके इफेक्ट, ठीक है ना। तो बूके इफेक्ट लिखेंगे तो ये वाला PNG आप लोग को मिल जाएगा। और इस PNG को सिंपली आप लोग क्या करना है, इसको ब्लेंड मोड पर करके स्क्रीन कर लेना है। एंड स्क्रीन करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है। तो देखिए इसमें भी रेखा आ जाएगा, तो इसको जो है कि इरेजर बटन पर क्लिक करके और आ चुका है। तो आप लोग अगर हार्डनेस को कम करके और साइज को बढ़ा करके और जो रेखा है ना इसको आसानी से आप लोग इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग को समझने की जरूरत रहता है, ठीक है। तो समझिए कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और जो भी फिर से इसको जो कि डुप्लीकेट लेयर बना करके और जो भी होगा इस साइड रख लेंगे, ठीक है। एंड इस साइड रखने के बाद इसका ऑपेसिटी कम कर देंगे, इसका भी ऑपेसिटी को कम कर देंगे, ठीक है। एंड देखिए आपका फोटो जो है कि रेडी हो चुका है, ठीक है। अब जो है भाइयों इतना काम होने के बाद आप सभी को क्या करना है, इधर से देखिए इफेक्ट पे क्लिक करना है, लास्ट स्टेप बच गया है। तो इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद इधर कलर पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। कलर पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका टी शर्ट होगा ब्लू कलर होगा चाहे जो भी कलर होगा इसको जो है कि इस पर लगा करके और जो कलर आप देना चाहते हो वो कलर दे सकते हो, ठीक है। तो मुझे तो हरा कलर देना है, ठीक है, तो मैं हरा कलर ही दे दूंगा, ठीक, कुछ इस टाइप से रख लूँगा। एंड देखिए इतना काम होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने फोटो गैलरी में सेव करेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे भाइयों आप लोग का फोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आप लोग क्या करना है, देखिए आप लोगों को फोटो में जो है कि क्वालिटी कम हो गया है, ठीक है। तो अब जो है कि आप लोगों को क्या करना है, अपने रेमनी का यूज कर लेना है, ठीक है ना। तो रेमनी का यूज आप लोग अच्छे से आता होगा, मुझे पता है आप लोग इतना चालाक हो। अगर नहीं आता होगा तो फिर भी आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को भाई उस पर वीडियो लेकर के आएगा, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग चलिए रेमनी के बाद मिलते हैं, देखते हैं कैसा क्वालिटी होता है। देखिए आप सब रेमनी के यूज के बाद कुछ इस टाइप से आपका फोटो नजर आएगा, ठीक है ना। तो आप सभी को अब क्या करना है, चलिए आप लोग को हम बताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एंड प्यारे मित्रों आप सभी को ऑयल पेंट करना है, तो उसके लिए आप लोग शेयर पे क्लिक करके और आप लोग जो है कि टूल वीज एप्लीकेशन में लेकर चलेंगे अपना फोटो और ऑयल पेंट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों टूल वीज एप्लीकेशन में आने के बाद आप लोग क्या करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और आप लोग सॉफ्ट समूह लेकर के दो नंबर का आप लोग समूह लेकर के और मास्क पे क्लिक कर लेना, ठीक है, और क्लीन कर देना, ठीक है। क्लीन करने के बाद आप लोग को जहाँ जहाँ ऑयल पेंट चाहिए ना मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे भाइयों आप लोग को वहाँ वहाँ ब्रश को चला लेना, ठीक है। सिंपली अपने कपड़े पर भी चला लेना, थोड़ा सा मैचिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कपड़े पर भी चला लेंगे और देखिए काफ़ी सुंदर लगने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से कपड़े पर चलाने के बाद सिंपली आप लोगों को दाढ़ी पर भी चलाना था, भूल गए, ठीक है। तो सब समूह जो है कि दो नंबर पर क्लिक करके और सिंपली आप लोगों को क्लीन कर देना, ठीक है, एंड अपने दाढ़ी पर भी चला लेना, ठीक है। जहाँ जहाँ आप लोगों का हेयर होगा वहाँ वहाँ आप लोग को अच्छे तरीके से चला लेना, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगता है ऑयल पेंट से, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरीके से ऑयल पेंट कर लेना, ठीक है, एंड देन राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड देन राइट क्लिक करने के बाद लास्ट में आना इनहेंस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और शार्पन पास में क्लिक करके और जनरल कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका फोटो थोड़ा HD हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा HD तो हो ही गया, तो उसके लिए आप लोग क्या करना, उसके बाद आप लोग फोटो को गैलरी में सेव कीजिए। एंड सेव करने के बाद चलिए आप लोग को ब्रश का सेटिंग एंड स्मूथ करना बताते हैं। तो कि मेरा हेयर ऑयल पेंट एंड कपड़ा ऑयल पेंट हो चुका है, ठीक है। अब जो है कि आप लोग को स्मूथ करना बाकी है, तो यहाँ से आप लोग शेयर पर क्लिक करके और ले करके चलेंगे सीधा स्केच बुक एप्लीकेशन में और स्मूथ करके आप लोग को हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से डिस्क्रिएट कर देंगे पहले वाला पोस्ट को और सिंपली इस पोस्ट को लेकर के और आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट नंबर आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान से लाइब्रेरी पे क्लिक करके और नीचे के साइड आने के बाद आप लोग देखिएगा आप लोगों को सिंथेटिक पेंट में एक ब्रश दिख जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को सबसे हार्ड ब्रश है ये ब्रश, मैं आप लोगों को बताता हूँ हमेशा। तो इस सिंथेटिक पेंट पर क्लिक करो, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप लोग फॉलो को आप लोग रख लेंगे 8, ठीक है, 8 रख लेंगे और इसको 30 रख लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेंथ को आप लोग 20-30 रख लेंगे, ठीक है ना, 30। और आप सभी को सेटिंग में क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग एक ब्रश यहाँ पर दिखता है सिंथेटिक पेंट को, तो जो है कि आप लोग इसको समूह कर लेना, ठीक है।
एंड समूह करने के बाद मेरे प्यारे मित्रों इतना इतना सेटिंग आप लोग रहने दीजिएगा, उसके बाद डन कीजिएगा एंड उसके बाद ब्रश साइज चेक करके आप लोग अच्छे तरीके से जो है कि स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो आप सब देख सकते हो जो कि कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है, आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं एंड अच्छे तरीके से जो है कि हर एक परेशानी को दूर करके और ये तरीका जो है कि अपनाएंगे तो कोई भी आप लोग को शायद ही प्रॉब्लम आए, आप लोग अच्छे तरीके से एडिटिंग कर लो, जिसको जो है कि जीरो लेवल का भी एडिटिंग आता है इस वीडियो को 100% देखने के बाद सीख जाएगा, ये पूरा मेरा गारंटी है। अगर नहीं सीखता है तो मैं एडिटिंग छोड़ दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग आदित्य भाई देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से एक एक स्टेप जो है कि रियल एंड नॉर्मल तरीके से बताया, ठीक है, और आसानी से यहाँ क्लिक कीजिए वहाँ क्लिक कीजिए सब कुछ बताया हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है कि आप लोगों को स्मूथ कर लेना, ठीक है। नाक पर आप लोगों को सीधा ब्रश चला करके और इधर इधर दोनों साइड लटका करके कर लेना, ठीक है। और जो कि जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसका जो है कि सोल्यूशन आप लोगों को मैं बता दिया एंड ब्रश की साइज एंड ब्रश का कलर ये हर एक चीज़ आप लोग को बता दिया एंड इस तरीके से पेंट भी कर लेते हैं एंड आपका फोटो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो फटाफट किया हूँ, तो जो है कि आप लोग अच्छे से कीजिएगा और नॉर्मली तरीके से कीजिएगा जो कि आप लोग का फोटो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एंड भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसी वीडियो लेकर के हमेशा आता रहता है। तो चलिए किसी अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।